सोमवार को नूह पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के तेवर तल्ख दिखे। दोपहर बाद करीब 3 बजे राजकीय कन्या महाविद्यालय सालाहेड़ी में खुले दरबार के दौरान शिकायतें सुनी। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर सीएमओ डॉक्टर श्रीराम सिवाच ने अपना पक्ष रखा तो कुछ भाजपा नेताओं ने सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए और इतने में ही सीएम काफी गुस्से में नजर आए। गोहाना में सरभंगी डेरे के संचालक पर लगा चेले की हत्या का आरोप। हत्या के बाद शव को डेरे के पीछे दफनाया। पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करनाल में नवविवाहिता अताशा की मौत के 22 दिनों के बाद भी नहीं मिल सका इंसान। करनाल पुलिस अभी तक आरोपी ससुर, नगर निगम के एसी महिपाल, बेटे प्रणव और सास को नहीं कर पाई गिरफ्तार। जींद में महिला पर कोर्ट परिसर में कील से हमला। महिला के पति ने ही दिया वारदात को अंजाम। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पति पत्नी के बीच कोर्ट में चल रहा है केस। 2010 में हुई थी दोनों की शादी। रेवाड़ी में लसाना गांव के पास मैक्स चालक की करतूत, स्टाफ नर्स के साथ गाड़ी में रेप की कोशिश। पीड़िता ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। पीड़ित लड़की ने पुलिस पर लगाया आरोप। कार्रवाई के बजाय पुलिस उस पर बना रही है शिकायत वापस लेने का दबाव। साइबर सिटी गुरुग्राम में शीतला गैस गोदाम के कैशियर से हथियार के बल पर लूट। 3 से 4 हथियारबंद बदमाश तकरीबन 4,18,000 की लूट कर हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी। भिवानी में एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल ने एक शातिर चोर को दबोचा। अब तक 25 घरेलू चोरी की वारदातों को दे चुका है अंजाम। आरोपी से 1,22,000 की नकदी और सोने चांदी के रिपीट और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद। आरोपी का नाम नवी। भिवानी में पेट्रोल पंप में पानी की मिलावट को लेकर उपभोक्ताओं ने काटा बवाल। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची जांच की टीम। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने लिए पेट्रोल के सैंपल। हांसी मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप का मामला। अम्बाला के सभी चौराहों को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से न बल्कि ट्रैफिक कंट्रोल करेगी बल्कि क्राइम पर भी नजर रखेगी। सीसीटीवी कैमरों को ट्रैफिक एसएचओ के मोबाइल से कनेक्ट कर दिया गया है ताकि वे कभी भी किसी भी चौक के नाम को क्लिक कर वहां की स्थिति को लाइव देख सकते हैं और स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं। बहादुरगढ़ के देवनगर में सीवरेज लाइन ब्लॉक करने से लोग परेशान हैं। देवनगर की गली नंबर 6 में सीवर के मेन हॉल टूटे हुए हैं और पूरी गली गंदगी से लबालब भरी पड़ी है। कॉलोनी के लोग पिछले 5 दिनों से संबंधित विभाग के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन किसी भी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर उनकी सुध नहीं ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटा दिया है। एनजीटी ने ट्रकों की आवाजाही पर लगी रोक भी हटा दी है। एनजीटी ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि जो फैसला सरकार और एलजी ने किया है हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी की सरकारों को निर्देश दिया कि वो 2 हफ्ते में एक्शन प्लान बताएं कि कैसे प्रदूषण स्तर में कमी लाई जाए। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव ऐसा एक्शन प्लान बनाएं जो कि जैसे ही प्रदूषण का स्तर PM2.5 300 और PM10 500 के पार जाए उसे लागू कर दिया जाए। पिछले 16 नवंबर को सुनवाई के दरमियान दिल्ली सरकार ने कहा था कि ITO में एनजीटी के आदेशानुसार पानी का छिड़काव किया गया जिससे PM2.5 का स्तर नीचे गिर गया। सुनवाई के दरमियान उद्योगों और बिल्डरों के वकीलों ने कहा कि दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार हो गया है लिहाजा निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत दी जाए लेकिन एनजीटी ने कहा था कि जब हमारे पास हवा की गुणवत्ता के आंकड़े आएंगे तब हम कोई फैसला करेंगे। एनजीटी ने पिछले 14 नवंबर को बढ़ते वायु प्रदूषण पर काफी चिंता जताई थी। एनजीटी ने ऑड इवन स्कीम के लिए दोपहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था। एनजीटी ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान कहा कि सभी राज्यों को एक्शन प्लान देना होगा। एयर क्वालिटी को लेकर जब भी पीएम बढ़ता है प्लान 2 हफ्ते के अंदर दायर करना है। अगर एक्शन प्लान जमा नहीं किया जाता तो जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी से 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। जब भी CPCB और DPCC कहती हैं कि प्रदूषण लेवल बढ़ गया है उस समय सभी पड़ोसी राज्यों को एक्शन प्लान कोर्ट में जमा कराना होगा। इसके अलावा एनजीटी ने कहा कि राज्य अपने एक्शन प्लान में ये लिख सकते हैं कि जब भी PM10 और PM2.5 का लेवल बढ़े स्कूल प्रशासन खुद स्कूल बंद कर दे। एनजीटी में याचिका लगाई गई थी कि ऑड इवन योजना के दौरान CNG स्टिकर का फर्जी बाड़ा होता है जिस पर एनजीटी ने सरकार को इस मामले की निगरानी के लिए कहा।
एनजीटी में याचिका दाखिल की गई थी कि 10 नवंबर को द्वारका में निर्माण कार्य चल रहा था, जबकि एनजीटी ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई हुई है। इसको लेकर स्थानीय अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। सरोजी नगर मार्केट में पार्किंग पर एनजीटी ने कहा कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के आगे गाड़ी पार्क नहीं करेगा, पार्किंग में गाड़ी को पार्क करें। एनजीटी अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा।